नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप। यूपी का संत कबीर नगर जिला, यहाँ के मेहदावल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं राकेश सिंह बघेल, बीजेपी के नेता हैं। कोर्ट के आदेश पर विधायक जी के खिलाफ फर्जी कोविड रिपोर्ट बनवाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ में जिले से मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर भी केस दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला कैसे रचा गया और इसका भेद कैसे खुला, बताते हैं आपको। साल 2010 में इलाके के बकीरा थाने में राकेश सिंह बघेल के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था। मामला था हत्या के प्रयास और लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। MP MLA कोर्ट में मामला चल रहा था। 9 अक्टूबर 2020 को बीजेपी विधायक राकेश बघेल की ओर से वकील ने कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया। इसमें बताया गया था कि विधायक जी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। संसद विधायक न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपकांत मड़ी की कोर्ट में इस बात की पुष्टि जिले के CMO डॉक्टर हरगोविंद सिंह ने की थी। CMO ने कहा था कि विधायक को होम आइसोलेशन में डाला गया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से विधायक के कोर्ट में पेश न होने के कारण इस मामले में कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कोर्ट ने विधायक को तलब किया तो उनकी ओर से कोविड रिपोर्ट पेश कर दी गई। इसके बाद कोर्ट ने होम आइसोलेशन टीम के सदस्य डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव को बुलाया। विवेक ने कोर्ट से कहा कि होम आइसोलेशन की अवधि के दौरान विधायक ना तो अपने घर पर मौजूद थे और ना ही फोन पर उनसे संपर्क हो सका। कोर्ट को होम आइसोलेशन टीम ने कहा कि दो बार टीम उनके घर गई लेकिन वो घर पर नहीं मिले। इस पर कोर्ट ने पेश की गई कोविड रिपोर्ट को नकली माना और आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि विधायक घर पर नहीं थे, फिर भी CMO की ओर से उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट ने उन पर जालसाजी और षड्यंत्र की धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि CMO ने अपना दायित्व ठीक से नहीं निभाया। क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी गया दत्त मिश्रा ने बताया कि माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश आया है जिस पर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि खलीलाबाद कोतवाली में बीजेपी विधायक मेहदावल राकेश सिंह बघेल और CMO हरिगोविंद सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कोतवाली प्रभारी ने यह भी बताया कि कोर्ट के आदेश पर दोनों के खिलाफ, यानी कि विधायक और CMO के खिलाफ, सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इंडिया टुडे से जुड़े रिपोर्टर आलमगीर ने बताया कि साल 2010 में राकेश सिंह बघेल ब्लॉक प्रमुख थे। बखीरा थाने में उन पर केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी। कोर्ट ने उनको व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद भी वो कोर्ट में पेश नहीं हुए और खुद को होम आइसोलेशन में बता दिया। इस मामले में हमने विधायक राकेश सिंह बघेल का पक्ष जानने की भी कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। उनका हमें कोई जवाब मिलता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आपको ये एडवाइस है कि आप कुछ ऐसा करने का सोचिएगा भी मत। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।